आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका राष्ट्रीय हिंदी न्यूज में और मैं हूँ इस वक्त आपके साथ वर्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों का। खबर गाजीपुर के जमानिया कोतवाली से है, जहां स्टेशन चौकी पर पुलिस की दबंगई अपने चरम पर है। आपको बता दें कि जमानिया क्षेत्र के नई बाजार गांव ने के जनप्रतिनिधि की स्कॉर्पियो गाड़ी, जो कि बच्चों को स्कूल छोड़कर ड्राइवर घर जा रहा था, के रास्ते में स्टेशन पुलिस चौकी का दबंग सिपाही विश्वजीत, जिसने गाड़ी को रोका, वह ड्राइवर को बाहर निकालकर चाबी छीन ली, वह गाड़ी लेकर फरार हो गया और कुछ देर बाद वापस आकर स्टेशन चौकी से कुछ दूर पहले जानबूझकर एक पेड़ से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे स्कॉर्पियो गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। ड्राइवर के अनुसार चाबी लेने के बाद दबंग सिपाही ने एक झोला गाड़ी में रखा, वह गाड़ी लेकर तहसील की तरफ चला गया। थोड़ी देर के बाद वापस आकर गाड़ी पेड़ में टकरा कर फरार हो गया। सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि यह पुलिस वाला अपने पुलिस वाले साथियों के साथ मिलकर बिहार की प्रतिबंधित लाल बालू की यूपी में व शराब की तस्करी बिहार में करने में भी इसकी संलिप्तता बताई जा रही है, जिससे आम जनमानस में काफी ज्यादा रोष है। हम बच्चों को छोड़कर स्कूल से आ रहे थे, ब्रेकर पर डाक रहे थे, तब तक एक सिपाही चौकी के आए, हमारा दीपक सिंह आए चौकी से बाहर, हमारा गाड़ी का चाबी छीन लिए और छीन कर बोल रहे हैं कि दो मिनट रुको, हम आ रहे हैं। फिर हम नहीं माने, फिर हमारा गाड़ी का चाबी छीन लिए और उतार दिए हमको गाड़ी से, उतार कर वहीं बैठा दिए और बोले कि हम आ रहे हैं 2 मिनट के बाद। और 15-20 मिनट के बाद जब आए उधर से, तो दीपक सिंह आकर हमारी गाड़ी पेड़ में लड़ा दी। मेरा ड्राइवर गया था बच्चों को छोड़ने स्कूल से, जब वो आ रहा था तो कोई सिपाही चौकी के चौकी पे से उससे चाबी मांगा, तो हमको फ़ोन किया, तो हम कहे कि नहीं गाड़ी मत दो, वो ज़बरदस्ती लेकर गाड़ी लेके चले गया। फिर जब मेरा ड्राइवर बताया कि गाड़ी 10-15 मिनट के बाद आई और एक पेड़ पे बहुत ज़बरदस्त धक्का मारे हैं, तो हमने कहा सिपाही कहाँ गए, तो वो भाग गए। फिर जब हम आए मौके पर तो देखे गाड़ी इस हालत में थी। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी जानकारियों के लिए बने रहिए राष्ट्र हिंदी न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।